आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत अहले हदीस की तरफ से आयोजित दो दिन के सम्मेलन के आखिरी दिन देश भर से आए हजारों लोगों ने मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल बुएजान की इमामत में मगरिब और ईशा की नमाज भी अदा की। सम्मेलन में वक्ताओं ने मानवता, शांति और अलग अलग धर्मों की शिक्षाओं पर विस्तार से विचार साझा किए। मस्जिद नबी के इमाम शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल बुएजान ने ऑल इंडिया सेंट्रल अहले हदीस सोसाइटी की तरफ से 35वें सम्मेलन के दूसरे दिन विश्व धर्म और मानवता का सम्मान टॉपिक पर भाषण दिया। इस सम्मेलन में उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया और हिंदुस्तान को उनका दूसरा घर बताया गया। इमाम साहब ने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के पैगाम को समझें और सही रास्ता अपनाएं। इसके बाद मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सलाफी अमीर सेंट्रल जमीयत अहले हदीस ने कहा कि इस्लाम शांति और भाईचारे का धर्म है। अब्दुल वाहिद नाजिम सूबाई जमीयत अहले हदीस तमिलनाडु पांडिचेरी ने सम्मेलन को वर्तमान विश्व स्थिति के अनुसार बहुत जरूरी बताया और कहा कि सभी धर्मों के मानने वालों को गरीबों को खाना खिलाने और माता पिता की सेवा करने के लिए धर्म की सामान्य शक्ति को अपनाने की जरूरत है। इस सम्मेलन में और भी धर्मगुरु मौजूद थे, जैसे धर्मगुरु आचार्य विवेक मुनि, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट में धर्म के योगदान पर बल दिया। बौद्ध धर्मगुरु आचार्य येशीपन शुक्ल ने सभी धर्मों के लोगों से शांति के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की अपील की। सनातन धर्मगुरु आचार्य सुशील मणि ने कहा कि धार्मिक मूल्यों का पालन कर भारत को मजबूत और स्थिर बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।